आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज। भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। जैसे कि एंटी करप्शन कार्यालय में बराबर शिकायतें आ रही हैं और बराबर खुलासे हो रहे हैं, कभी उन्नाव का मामला, कभी अन्य पूरे प्रदेश का मामले आ रहे हैं और हमारी टीम पहुंचकर मौके पहुंचती है, जांच करती है और पीड़ित को न्याय दिलाती है। आज जो पीड़ित मौजूद है हमारे यहाँ वो बिल्लौर से हैं, उनकी क्या समस्या, क्या प्रकरण है, मैं इनसे ही पूछता हूँ, मुझे अवगत कराएं। क्या नाम आपका? रीता देवी। रीता देवी, आज यहाँ पे आप आई हैं कमिश्नर कार्यालय में, किस लिए आई हैं, क्या शिकायत करने आई हैं? सर, मेरा बेटा था 13.5 साल का, उसको 3 बेटे लेकर गए हैं। उसका नाम, उस बेटों का नाम है प्रशांत कुशवाहा है शायद, और एक का नाम है कृष्णा कमल और एक टिल्लू राठौर। मेरा बेटा घर पे पढ़ाई कर रहा था, उसको घर से लेकर गए हैं। मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो बेटा? मम्मी अभी आ रहे ना 10 मिनट में। जब वो लेकर गए हैं, जब हमारा बेटा आया नहीं, आधे घंटे के बाद मैंने खोज की, खोज करते करते जहाँ मेरा बेटा खेलता था मैं तो उधर ही ढूंढती रही, और जिधर मेरा बेटा मिला उधर हमको कोई संभव नहीं था कि मैं उधर ढूंढने जाऊँ। तो फिर जब मैंने पूरे बिल्लौर छान लिया, नहीं कहीं मिला जहाँ जहाँ मैं ढूंढ पाई। इसके बाद अपने हस्बैंड को फ़ोन किया और इसके बाद एक अपनी सहेली को लेकर उनके घर पहुंची, हम सहेली के घर पहुंची, उनसे कहा मेरा बेटा नहीं मिल रहा है, वो हमको उधर ले गई। और मैं उधर जाके तालाब के पास से लौट आई, वहाँ मेरा बेटा नहीं था। आपके बच्चे की आयु कितनी थी? हमारे बेटे की आयु थी 13.5 साल की। और जिन बच्चों साथ हो गया क्या उनको आप जानती थी? नहीं, मैं कभी नहीं देखा था। ये 19 तारीख शाम को ये बच्चे आए हमारे हमारे मोहल्ले में आए, हमारे गेट के मतलब हमारे मकान से थोड़े दूर पे बैठे थे, लेकिन मैं जानती नहीं थी कि ये कौन बच्चे हैं। एक दो दिन से हमारे बेटे से दोस्ती इन्होंने बनाई है, पता लग रहा है। जिन बच्चों साथ गया था उन बच्चों को आप नहीं जानती हैं? आपका कहना है वो बच्चे पहली बार देखे गए हैं, उनके साथ वो गया और जाने बाद फिर क्या हुआ? जाने के बाद ये रिक्वेस्ट जब नहीं मिला तो मैंने ढुलाई की। ढुलाई करने के बाद मैं एक हमारे मतलब हमारे रिश्तेदार के हमारे देवर लगते थे उनको बुलवाया फ़ोन करके। बुलाने के बाद में जब मैं 2-3 घंटे बाद लगभग उनके साथ में गए तो बोले भाभी इधर चल के देखते हैं। मैंने कहा इधर ना चलो, इधर तो मेरा बेटा कभी नहीं जाएगा। तो नहीं माने कि नहीं चलो चल कर देखते हैं। जब वो लेकर गए हमको तो बोले आगे बम्बी उधर देखते हैं जाके। तो जैसे बम्बी के लिए आगे बढ़ी वैसे ही तालाब के पास में झाड़ियों के पास मेरे बेटे के कपड़े पड़े थे और तालाब के पास मेरे बेटे के चप्पल इकड़ा टिड़ी पड़े थे। तालाब के किनारे आपके उसके चप्पल और उसका क्या सामान मिला? कपड़े और चप्पल। और उसकी लाश नहीं मिली? लाश नहीं मिली। लाश ना मिलने पर 112 नंबर डायल किया गया। 112 नंबर डायल करने पर जब पुलिस आई तो तब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए वहाँ पर, और उन्होंने लाश ना मिलने पर ही हमारे हस्बैंड से लिखा लिया कि मेरा बेटा पानी में डूब कर मर गया। और मैं रोती रही, बोलती रही कि मेरे बेटे को झाड़ियों में देखो कहीं छिप तो नहीं गया है, कहीं छिप तो नहीं गया है। लेकिन उन्होंने हमारे हस्बैंड से पहले ही लिखा ली कि मेरे बेटे पानी में डूब कर मर गया लाश ना मिलने से पहले। तो आप थाने गई, थाने में FIR कराई आपने? जी, एप्लीकेशन बच्चों के नाम दर्ज लगवाई थी लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक दरोगा सब जब आए शाम को आए वो सब जान तरजान ले गए और उन बच्चों के वीडियो हैं, जैसे गए हैं जैसे आए हैं वैसे उन बच्चों के वीडियो हैं हमारे पास। और उन्होंने दूसरे दिन जब उनके दरोगा साहब के पास कॉल की तो बोले हमारी तो ड्यूटी कानपुर में ट्रेनिंग है, ड्यूटी लग गई 15 दिन के लिए। जैसा कि उन्होंने अवगत कराया, इतना गंभीर मैटर होने के बाद भी पुलिस ने इनको टहला दिया और कहा कि मेरी ट्रेनिंग है, मैं इसमें भी कोई एक्शन कार्रवाई नहीं करा पाऊंगा और पीड़ित ज़्यादातर भटक रहा है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ एक साहब और खड़े हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ, आपके क्या नाम है? गणेश चंद। गणेश चंद जी, मैं सर गाँव में पर डे जाना आना मेरा है, हमें 2 बजे यहाँ बिल्लौर से हमारे बच्चों ने बच्ची ने फ़ोन किया कि भैया प्रांशुल नहीं मिल रहा, तो अब मैं तुरंत वैसे ही भागा। जैसे ही मैं तालाब पे सर आया तो वैसे ही पुलिस वाले आ चुके थे और हमसे कहा कि भैया इसमें आप एप्लीकेशन लिखो। हम कहे सर मैंने क्या लिखूँ, हम तो खुद ही पागल हैं। तो उन्होंने जैसे बोला वैसे ही मैंने लिख दिया कि जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कि मैं आपकी आगे कार्रवाई कुछ भी नहीं बढ़ा सकता हूं। और हमसे क्या लिखाया क्या नहीं लिखा, जैसा आलोक तिवारी जी ने हमसे बोला मैंने वैसा ही लिख दिया और साइन कर दिए। और ना ही मुझे 10 मिनट का भी मौका दिया गया कि अपने बच्चे के असर बाकायदे में देख लें।
जैसे कि पीड़ित परिवार परेशान है, कोई खास बात बताना चाहती है मैडम? मैं इनसे पूछता हूँ क्या बताने चाह रही है, कोई विशेष बात बताने चाह रही है, बताइए। जी सर, मेरे बेटे की मिट्टी नीली पड़ी थी, उसके जबड़े जाम थे और उसके नाक से पहना और वो का मटमैले पर का खून, मरे पानी के कोई लज्जर नहीं थे, एक बूंद पानी नहीं उसके मुख से निकला और घूस भर के रिपोर्ट नार्वल बनवा दी मेरे। मैं किसान हूँ इसलिए वे लोग घूस भर के रिपोर्ट को नार्वल करा दिया गया। आपको किसी पर शक है? जी नहीं, बच्चों पे शक है, नहीं बच्चों के माँ बाप पे शक है हमको। अगर उन बच्चों से पूछताछ की जाए तो उसका खुलासा हो सकता है? जी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर सख्ती करके पूछताछ की जाए तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो आपने क्या ये पुलिस से ये बात नहीं की कि इन बच्चों से पूछा जाए? जी की है बात, लेकिन पुलिस ने आज तक हमारी सुनवाई नहीं की है। जैसा कि इनका कहना है कि पुलिस ने इनके इस मामले को सीरियस नहीं लिया है, अगर इनका कहना है कि पुलिस बच्चों से ही पूछताछ की जाए और सही ढंग से जांच की जाए तो इस प्रकार खुलासा हो सकता है। यहाँ अधिकारियों से मिलने आए हैं और उनकी जो मिसेज बैठी है यहाँ पर, आप क्या बताने जा रही हैं? सर यही बताना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे की दोबारा जांच कराई जाए और दोबारा उसको उन बच्चों से पूछताछ कराई जाए, मेरे बच्चे के साथ में कौन सा हादसा हुआ है। वो लौट कर मेरे को बताते आगे कि मेरे बच्चे को ये हो गया, मैं 10 लोगों को लेकर जाते अपने बच्चे को बचाते जाके, मेरा नीना मर गया था, लेकिन उनको बताने का तो फर्ज था कि जैसे घर से ले गए वैसे वापस ला के मुझको बताते तो आगे कि आपके बच्चे के साथ में ये हुआ है। जैसा कि आप इनका दर्द देख रहे हैं, जिस तरह इनका दर्द बयां हो रहा है और कर रही हैं और पुलिस का कोई सहयोग नहीं हुआ है, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कमीशन हो जाने के बाद से लोगों को न्याय मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। पीड़ित इधर भटक रहे हैं, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, यहाँ पे अधिकारियों के पास पीड़ितों की लहर लगी है, उनकी समस्या समाधान नहीं हो पा रहा है, थानों की बराबर शिकायतें आ रही हैं। मैंने अभी तक विभिन्न थानों की प्रकरण को अवगत कराया और मैं देख रहा हूँ हर थाने में इस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है, और मैं अधिकारी से ये अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इसको संज्ञान लें और थाने पर आदेश करें कि थाने में इनकी सुनवाई हो, और ये आपके पास शिकायत करने जो आते हैं पीड़ित परिवार, ये आपके तक ना आकर थाने में ही इनको न्याय मिल जाए। और मैं देख रहा हूँ एक साहब और खड़े हैं, आपके क्या नाम है? मेरा नाम है रवीश कुमार। कहाँ रहते हैं आप? मैं IIT गेट पे रहता हूँ, लेकिन ये मेरे छोटे भाई हैं और उस बच्चे को मैंने खुद पाला है, कैसे पाला है वो मेरे को पता है, और जब जैसे मेरे को खबर मिली कि बच्चा नहीं मिल रहा है तो हम तुरंत यहाँ से भागे, तब तक वहाँ 10 मिनट तक पुलिस वालों ने रोका नहीं मिट्टी को, कि जो हम देख लेते हैं, हम आधे रास्ते से पोस्टमार्टम के साथ इधर आ गए थे, पोस्टमार्टम चीलघर में हम पहुँच चुके थे वहाँ पर, तो इसके बाद हम पता करते रहे, फिर तहसील क्या नाम थाना अध्यक्ष से मिला, थाना अध्यक्ष मिलने के बाद वो तो हमको यही देते रहे कि हम चेक कर रहे हैं चेक कर रहे हैं, और जो चौकी इंचार्ज थे वो भी कहते थे कि हम चेक कर रहे हैं, आप घबराओ मत, हम चेक कर रहे हैं, हम अपने तरीके से पूछेंगे। हमने यहाँ तक CCTV कैमरे में सारी फोटोज़ हमने देख ली हैं, कौन कौन बच्चा ले गया है, लेकिन उन बच्चों से ये एक कोई भी नहीं कबूला रहा, पुलिस वाला कोई भी नहीं जा रहा है कि जो बच्चे हमारे हकीकत बता दें कि हमारा बच्चा कैसे कैजुअल्टी हुआ है। इसके बाद मैं CO साहब से भी मिल के आया हूँ, परसों CO साहब से मिला था और कल फ़ोन से मेरी बात हुई थी कि मैं एक चौकी इंचार्ज को भेजूँगा, कोई दूसरे को डिटेल करूँगा, वो कल नहीं आया, तो हम इधर आए, हम फिर दूसरी एप्लीकेशन देने के लिए SSP साहब के पास आया हूँ। जैसा कि पीड़ित परिवार परेशान दिख रहा है और वो दर दर भड़क रहा है, हर अधिकारियों से मिलने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि उसने CO साहब को भी अवगत कराया, बिल्लौर के थाना अध्यक्ष को अवगत कराया, लेकिन किसी ने न्याय नहीं दिलाया इनको, जिससे ये परेशान हैं। और मैं अपने चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं से कहना चाहूँगा कि इनकी बात को संज्ञान लें और अधिकारी को निर्देशित करें कि वो इनकी सुनवाई करें और इनको न्याय दिलवाएँ। अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे, जब तक कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज़ के साथ। मैं चीफ एडिटर अतर हुसैन, एंटी करप्शन साथ में कैमरामैन SK सिंह, नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।